मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम हूं। बचाओ! ढूंढो आपे। कौन है फिल्म की हीरोइंस? क्यों हैरान है माधुरी दीक्षित? कब रिलीज होगी ये फिल्म? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त ओशीन गांधी आपका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, खलनायक 2 फिल्म की चर्चा काफी लंबे समय से हो रही है और इस मूवी के साथ टाइगर श्रॉफ भी काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में टाइगर खलनायक के रूप में जनता के सामने आने वाले हैं, इसलिए पब्लिक बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। लॉकडाउन के दौरान इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काफी काम हुआ। इस फिल्म के मेकर ओरिजिनल खलनायक के डायरेक्टर सुभाष गई और खलनायक के हीरो संजय दत्त चाहते हैं कि इस फिल्म का दूसरा भाग बनाया जाए। संजय दत्त ने भी कहानी पर काम किया है और उन्होंने कई सुझाव भी दिए और दूसरी ओर सुभाष गई भी कहानी पर काम कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि दोनों की कहानियां थोड़ी अलग अलग हैं, लेकिन घई और संजय एक बात पर सहमत हैं कि खलनायक 2 को टाइगर श्रॉफ को लेकर ही बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इसलिए माना जा रहा है कि खलनायक 2 में टाइगर निभा सकते हैं लीड रोल। खलनायक 2 में टाइगर निभाने वाले हैं एक अहम भूमिका। संजय दत्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि नई जनरेशन में अगर कोई खलनायक 2 का हिस्सा बन सकता है तो वो है केवल टाइगर। लेकिन खलनायक जहां एक इंटेंस और डार्क रोल है, तो वही टाइगर एक्शन तो करते हैं लेकिन हीरो स्टाइल में। वही इस फिल्म के लिए उन्हें अपने अंदर के विलन को चैनलाइज करना होगा। वैसे तो दोस्तों मानना पड़ेगा कि टाइगर इस समय के सबसे बेहतरीन एक्शन हीरो में से एक तो है। वही जब ओरिजिनल फिल्म की लीड हीरोइन माधुरी दीक्षित से पूछा गया कि क्या वो इस फिल्म का हिस्सा होंगी, तो उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और कहां पर शूट करेंगे। खलनायक में माधुरी दीक्षित ने अपने बोल्ड डांस मूव्स और एक्टिंग से लोगों के दिल में बखूबी राज किया था। वही सुना है कि हर फिल्म में बोल्ड डांस मूव से उसमें 4 चांद लगाने वाली नूरा फतेही जल्द ही अपना एक्टिंग डेब्यू कर रही है। तो क्या ये किसी बात की हिंट है या महज एक कोइंसिडेंस? ये तो फिलहाल हम भी नहीं जानते। दूसरी ओर अब आप सोच रहे होंगे कि माधुरी दीक्षित इन दिनों हैरान क्यों हैं? दरअसल माधुरी दीक्षित से जब खलनायक 2 के बारे में बात की गई तो वो खुद हैरान हो गईं और उन्होंने बताया कि खलनायक 2 के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है ये मेरे लिए भी एक खबर ही है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज है। संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित स्टारर खलनायक बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में संजय ने खलनायक का किरदार निभाया था। खलनायक की सफलता में माधुरी के सुपरहिट गाने चोली के पीछे क्या है का भी अहम योगदान है। अगर हम इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो बताया जा रहा है कि फिल्म 2023 तक रिलीज की जाएगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, खलनायक के रूप में छा पाएंगे टाइगर श्रॉफ? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।